हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जैनेथ गुरु। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने उठाया है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल, जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, दो तरह की सेल्स पाई जाती है, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाएंगे और उसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेल, सॉरी टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल को हम न्यूक्लियस, आपने देखा होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बेसिस पे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, यानी दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का देखेंगे, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का, पुराने जमाने में जैसे घर होते थे उसी टाइप से पुराने जमाने में भी कुछ न्यूक्लियस हुआ होगा, तो उसी के आधार पे हमने, न्यूक्लियस के आधार पे ही हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ऐसा सेल जिसके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, यानी पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक को खोल के देखते हैं, तो यू मींस होता है न्यू या एडवांस, न्यू या एडवांस, और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसके पास एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। इतना आता है समझ में? तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें एडवांस या न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल आर द टाइप ऑफ सेल विच हैव अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल आर द टाइप ऑफ सेल विच हैव अ एडवांस या न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इतना क्लियर है? अब हम देखेंगे इनके थोड़े से डिफरेंस देखेंगे। चलिए डिफरेंस देखते हैं। तो पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे यहां पे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, और यहां पे लिखेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, पहला डिफरेंस ही क्या है, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस और इसमें एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरे डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनल यानी कि जो सेल के अंदर जितने भी आप देख सुने होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, ये सब इसके अंदर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, और इसमें प्रेजेंट होंगे। इसमें एब्सेंट है तो इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट है, हाँ, इसमें जो होता है जो क्रोमोजोम नहीं दिखता हमें, क्रोमोजोम नॉट अपियर। देखिए क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए को अगर हम बांध दें, बहुत ही कंडेंस कर दें, तो क्रोमोजोम बन जाता है। तो इसमें क्रोमोजोम नहीं दिखता, यानी कि उसमें जो डीएनए वो कंडेंस नहीं होता होगा, उसको बांधा नहीं जाता होगा। ठीक है, इसमें हमें क्रोमोजोम देखने को मिलता है, तो इसलिए लिख देंगे क्रोमोजोम सीन इन यूकैरियोट। थर्ड पॉइंट, अच्छा, क्रोमोजोम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको जो डीएनए को कंडेंस करना,
तो डीएनए जब कंडेंस होगा तो वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है, जब भी हिस्टोन प्रोटीन होगा तभी डीएनए कंडेंस होगा, और जब डीएनए कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम बनेगा। तो याद रखिएगा, जब इसमें क्रोमोसोम नहीं बन रहा तो जाहिर सी बात है हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? एब्सेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S का राइबोसोम होता है। कितने S का राइबोसोम होता है? 70S का। अभी के लिए आप लोग याद कर लें, क्योंकि थोड़ा सा राइबोसोम अभी मैंने डिस्कस किया नहीं है। आप लोगों को बस इतना याद रखना कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें 70S भी पाया जाता है प्लस 80S भी पाया जाता है, दोनों ही पाए जाते हैं। पांचवा डिफरेंस लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, और इसके अंदर आते हैं ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फंगाई, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो अभी तक हमने जो पांच डिफरेंस देखा उसको रिवाइज करते हैं फिर फटाफट। पहली बात तो सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। क्रोमोसोम बनेगा तब जब उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें क्रोमोसोम नहीं दिख रहा तो इसके अंदर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा और इसमें प्रेजेंट होगा। 70S राइबोसोम देखने को मिलता है, इसमें 70S प्लस 80S राइबोसोम देखने को मिलता है। बैक्टीरिया इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, इसके मेंबर हैं। और एक और याद रखिएगा, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं इसको। देखें क्या होगा, आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन आता है? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एंड फंगाई। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये हमने देख लिया था इसमें, पहले तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक, ठीक है, क्लियर है इतना। तो एक डिफरेंस और लिखेगा इसमें, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। एक डिफरेंस और लिख लीजिए, इसमें जो सीलिया फ्लेजिला होता है, आपको देखेंगे क्या होगा सीलिया फ्लेजिला, उसके जो सीलिया फ्लेजिला में 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसा अरेंजमेंट? 9+0 अरेंजमेंट। बेसिकली क्या होता है, सीलिया फ्लेजिला एक प्रोटीन से बनते हैं, तो प्रोटीन ऐसे अपने आप को 9 में अरेंज करते हैं और बीच में खाली रहता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। यूकैरियोटिक के अंदर जो सीलिया फ्लेजिला है उनके अंदर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 9+2 अरेंजमेंट, समझिएगा इसको क्या कहते हैं। अब देखिए, मैंने बताया 9+0 में क्या होगा, 9 प्रोटीन्स ऐसे साइड में होंगी और बीच में कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 9+2 में 9 तो साइड में होंगी और 2 बीच में भी होंगे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, इसको हम बोलेंगे 9+0 अरेंजमेंट। इतना क्लियर है आपको। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डिफरेंस, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, क्रोमोसोम नॉट अपीयर, क्रोमोसोम सीन इन यूकैरियोटिक सेल्स, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट प्रेजेंट, 70S राइबोसोम 70S प्लस 80S राइबोसोम, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पीपीएलओ, ह्यूमन एनिमल प्लांट एंड फंगाई। नेक्स्ट डिफरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट प्रेजेंट, 9+0 अरेंजमेंट सीन इन सीलिया फ्लेजिला, 9+2 अरेंजमेंट सीन इन सीलिया एंड फ्लेजिला। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, बहुत ही छोटा टॉपिक लिया था हमने 9th क्लास का, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा और आपने यहीं पे याद करने की कोशिश की होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।